आफ्टर 4 डेज नेल पेंट अप्लाई करने के बाद 4 डेज के बाद में ये वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और वो भी मैं बाहर गई थी, मेरे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन के काम करती हूँ, इंटीरियर डिजाइन के जो मेरे प्रोजेक्ट पर काम चलते रहते हैं, मैं वहीं पर विजिट करने गई थी। और लौट कर जैसे कि मैं ड्रेस को भी मैं चेंज नहीं किया, आप देख सकते हो मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, एकदम से आप देख रहे हो स्वेट हो रहा है, डल फील हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर बहुत ज्यादा धूप है, मैं जस्ट घर में आ गई हूँ और एक कैमरा ऑन करके वीडियो कर रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं झट से वीडियो आज कर रही हूँ। ये जो फ्रेंड्स है जो कियासेट के जो नेल पॉलिश है, कियासेट ब्रांड के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। बट ये जो नेल पॉलिश है ना, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगा 99 रुपीज में, और 6 ml के प्रोडक्ट है, इसके अंदर है ऑर्गन ऑयल है, विटामिन ई है, जो अप्लाई करने के बाद आपको आपका जो नेल है ना, कभी कभी होता है ना कुछ कम प्राइस में नेल पेंट अगर आप यूज कर दे तो मार्केट से खरीद कर लाते हो, कम दामों में आपको मिल गया है, तो इस टाइप की नेल पेंट अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हाथों नेल पर एक योलिस कलर आ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं कुछ हद तक, तो ऐसा आपको फील नहीं होगा। आप एक बार अप्लाई करके देखो, इसका बहुत सारे कलर्स भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप देख सकते हो, मैं ऑनलाइन परचेज किया, लोकल मार्केट में भी आप ढूंढ सकते हो, पता नहीं आपको मिल सकता है, मैं तो ऑनलाइन परचेज किया। और नेल पेंट के रिमूव करने के लिए मैं रेनी का ये जो नेल रिमूवर, इसको भी परचेस किया, इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि नेल पेंट को रिमूव करने के बाद कभी कभी होता है कि नेल कुछ हद तक ड्राई हो जाते हैं, तो ये नहीं फील होगा आपको, ड्राई फील नहीं होगा। अदर्स आप इसको भी ट्राई करके देखो, क्योंकि रेनी ब्रांड भी अच्छे है, तो ये भी आप एक बार ट्राई करके देखो। इसका जो प्राइस है फ्रेंड मैं देख कर, ये भी आपको मिल जाएगा 99 रुपीज में, ये भी आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा, तो आप इसको ट्राई करके देखो। आज के वीडियो इतना ही फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो मैं कर रही हूँ, और बहुत जल्द नेल केयर के ऊपर और एक वीडियो लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट मिला और कुछ पिक भी मिला कि नेल खराब हो गया है, बार बार नेल पेंट यूज करने से या हर बार नेल पर पेंट लगाने की वजह से या कुछ वजह कोई भी हो नेल खराब हो रहा है, तो नेल को किस तरह आप केयर कर सकते हो, वो भी घर में घरेलू चीजों से कैसे केयर कर सकते हो, तो इसके ऊपर बहुत जल्द में और एक वीडियो लाना चाहती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।